नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक एक्सचेंज के बारे में। देखिए, एक्सचेंज मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही ख्याल आ जाता है कि एनएससी और बीएससी, तो इस तरीके से कुछ दोनों ही एक्सचेंज है। देखिए, इस दोनों एक्सचेंज को छोड़ के और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज है, साथ ही साथ एनर्जी एक्सचेंज है, और पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए एनर्जी एक्सचेंज है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं। तो आज मैं एक बात करूंगा तो एक दिग्गज एक्सचेंज के बारे में, इसका एक्चुअली जिसका नाम है IEX। तो IEX के बारे में बात करूंगा। तो इस कंपनी पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए एक्सचेंज है, मतलब पावर सेक्टर के जैसे काम होगा उसी उसी को इस एक्सचेंज के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। मान के चलिए ऑटो इंडस्ट्रीज को काम करना होगा तो ऑटो इंडस्ट्रीज का जो मेजर है उसके ऊपर उसको फोकस रखना होगा। तो सेम टू सेम पावर इंडस्ट्रीज जिस तरीके से काम करेगा इस एक्सचेंज का उतना ही फायदा होगा, क्योंकि पावर इंडस्ट्रीज को कंट्रोल इस IEX करते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बैड न्यूज भी आ चुके हैं, और साथ ही साथ कुछ डेटा भी आपको दिखाऊंगा जो इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। क्योंकि उसको इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करके रखे, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो एक बार स्प्लिट बोनस भी दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी से ऊपर आपको बहुत बार मिला है, तो इसलिए ज्यादातर निवेशक इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग गया। तो चलो, इस कंपनी क्या भरोसे के लायक है, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, वीडियो को बहुत सारे दोस्त स्किप कर देते हैं बीच में। देखिए, मुझे लगता है उसको शॉर्ट टर्म में ही इनकम करना पसंद है, मतलब ट्रेडिंग करके ही बस पैसा कमाना पसंद है। तो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, आप एक बार जाकर कॉल चेकआउट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप काम करिए, नहीं तो आप एक ग्रुप से एग्जिट हो जाना। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ग्रुप से नहीं निकल पाएंगे, तो जाकर चेकआउट करिए। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं किया है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं किया है, तो इसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल वन और अपस्टॉक के माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी एक एक्सचेंज है और पावर इंडस्ट्रीज के एक्सचेंज है। तो कंपनी जो जिस एक्सचेंज से बिलोंग करते हैं आप सभी जानते हैं, पावर एक्सचेंज के साथ, मतलब पावर सेक्टर के साथ। इसका मतलब पावर इंडस्ट्री जिस तरीके से काम करेगा उसी के बेसिस से इस एक्सचेंज को फायदा होगा। जैसे देखिए, अलग अलग पावर इंडस्ट्रीज है, जैसे देखिए विंड पावर, सोलर पावर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे देखिए विंड पावर के भी यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो थर्मल पावर के ऊपर भी, यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर के ऊपर भी कंपनी जुड़े हुए है, साथ ही साथ थर्मल पावर के ऊपर भी कंपनी जुड़े हुए है। आप अभी देखेंगे, चलो वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए थर्मल पावर के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब पावर इंडस्ट्रीज और एनर्जी इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका मेन मुद्दा है। इसका मतलब आप जितने सारे पावर इंडस्ट्रीज को देखते हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, अदानी मतलब ग्रीन हो गया, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है जो पावर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी का टोटली जो रेवेन्यूज है वो उस किसके पास जाते हैं, एक्सचेंज के पास, मतलब IEX के माध्यम से ही उसको काम करना पड़ेगा। तो ये उसका बोर्ड आप बोल सकते हैं। तो इसका अलग से यहाँ पे देखिए IEX का टोटली जो बिजनेस है वो आपको मैं यहाँ पे समझा चुका हूं। तो इस कंपनी के दो गुड, एक गुड न्यूज और एक दूसरा बैड न्यूज भी बोल सकते हैं। तो चलो एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बैड न्यूज क्या है, चलो वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे पब्लिश किया गया है। देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ, इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस डेटा को आपको दिखा रहा हूँ। मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो आपको सबसे पहले देखना है। IEX मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम स्लिप, इसका मतलब क्या है, स्लिप मतलब गिर जाना। तो इसका मतलब कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का अगर रेवेन्यू जेनरेट कम होते हैं तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, IEX के ऊपर पड़ेगा। तो वही यहाँ पे देखने को मिला, वो भी 1.7%। आप कहेंगे सर 1.7%, 100% से देखा जाए तो 1.7% तो बहुत बहुत कम है,
तो आप इसके ऊपर बोल रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव इशू है, ऑब्वियसली नेगेटिव इशू है। जो कंपनी करोड़ों में खेलते हैं, जो कंपनी करोड़ों में है, उस कंपनी में 1.7% गिरना कोई आम बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि देखिए मंदी का भी टाइम होते हैं और अच्छे का भी टाइम होते हैं। तो अभी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में मंदी का टाइम चला है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भागे थे। आप निफ्टी सेंसेक्स तो आप देख चुके होंगे, 18,000 के भी ऊपर चल रहा था, अभी कितना 16,000 15,000 इस रेंज के अंदर ही कंपनी चल रहा है। इसका मतलब अभी मंदी का टाइम चल रहा है। तो इस मंदी के टाइम में देखना चाहिए उस टाइम में कौन सा कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो फिर भी देखिए एक्सचेंज जो है वो अच्छा खासा काम तभी कर पाएंगे जब उसका जो मतलब उसका रेवेन्यू जिससे आ रहा है वो कंपनी अगर अच्छा खासा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस इन अप्रैल का 2022 का रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब अराउंड पिछले मंथ का रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे देखा जा रहा है कि कंपनी का जो अमिट सप्लाई है, यहाँ पे देखिए जो ऑब्वियसली 1.7% का स्लिप हो चुके हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स में चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ऑन थर्सडे के दिन अनाउंसमेंट दैट इट्स ट्रेडेड 7,574 मेगा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम अक्रॉस ऑल द मार्केट सेगमेंट। यहाँ पे देखिए विटनेस 1.7 डिक्लाइन इन अप्रैल 2022। तो ये एक ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा खराब हो चुकी है कंपनी, कंपनी में 1.70% मतलब डाउन, मतलब थोड़ा सा तो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा ही। तो इसलिए आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट नहीं, अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। जो कंपनी 250 में गया था अभी वो 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब किस तरीके से गिरावट है, चलो वो मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद दूसरा जो गुड न्यूज है वो भी आप देख लेते हैं। तो गुड न्यूज क्या है, कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का रिजल्ट में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। जैसे देखिए टोटल जो इनकम के बारे में बात करूं तो 12,700, चलो मैं थोड़ा सा और एक जूम कर दे अब ठीक है। तो यहाँ पे 12,700 टोटल लाखों का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 12,600, पिछले सालों में 10,100, इसका मतलब 12,700, पिछले क्वार्टर में 12,600, पिछले साल में 10,100। तो टोटल कंपनी का एक्सपेंस देख लीजिए, कंपनी का इनकम तो अच्छा हुआ, अभी एक्सपेंस देख लीजिए 2,100, पिछले क्वार्टर में कितना था 2,000 और पिछले साल में कितना था 1,800। इस तरीके से कंपनी के ऊपर सबसे जो अच्छा मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगता है इसका एक्सपेंस, क्योंकि देखिए कंपनी का तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, इसका मेटेरियल कॉस्ट, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस तरीके से कुछ कॉस्ट नहीं लगते हैं। तो इसके एक्सपेंस जो है वो है ऑफिस मैनेजमेंट, स्टाफ के सैलरीज और आदर्स जो टोटली इसका एक्सपेंस है, तो एक्स्ट्रा मतलब आदर्श खर्चे इसका नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंस बहुत बहुत कम होते हैं। अभी देखना है कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया, यही सबसे पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज है कि कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ चुके हैं 8,141, पिछले साल में कितना था 7,976, पिछले साल में था 6,397, इसका मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने किया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे भी है और एक नेगेटिव न्यूज मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। इस दोनों न्यूज के बेसिस से आपको चूज करना है इस कंपनी आपको फ्यूचर में क्या ग्रोथ देने वाला है। देखिए ये जो न्यूज है यहाँ पे, जो ये जो न्यूज है मुझे लगता है ये टेम्पोररी न्यूज है, क्योंकि इस तरीके से न्यूज हमेशा रहने वाला नहीं है। क्योंकि 1.7% का इस बार स्लिप हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड मंथ में, सेकंड क्वार्टर में, सेकंड सालों में इस तरीके से स्लिप होगा, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मगर और भी ज्यादा ग्रोथ भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए पावर सेक्टर जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा जरूरत अभी है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और साथ ही साथ विंड एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसके ऊपर फोकस रख रहे हैं। तो इसलिए IEX के ऊपर आपका निवेश है तो घबराने का कोई बात नहीं, और आप इस कंपनी का शेयर आपको सस्ते दाम में मिल रहा है तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली होल्ड अप करिए, तो मतलब होल्ड ऑन करिए। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा बहुत पॉजिटिविटी है, तो आप इसके ऊपर कितना पॉजिटिविटी है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो कंपनी की एक एक डिटेल्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। सबसे जो चीज इस कंपनी का मुझे अच्छा लगता है, कंपनी टोटली डेट फ्री है, और दूसरी बात कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है, एनुअल इनकम भी शानदार है, कैश भी शानदार है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय आपको 5-स्टार रेटिंग वाला देखने को मिलेगा। कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया, कंपनी स्प्लिट किया, तो इसलिए कंपनी अभी अराउंड 200 के रुपीज में देखने को मिला।
तो जो 12,000 रुपीज में चलने वाला शेयर था वो अभी मतलब 200 के रुपीज में देखने को मिला है, सॉरी 12,000 नहीं, 2,500 का शेयर में। तो कंपनी का देखिए प्राइस रेंज आप देखेंगे तो कंपनी का हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। इस क्वार्टर में कंपनी 81 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले सालों के कंपेरिजन करूं तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दे रहा है। देखिए इतने गिरावट के कारण भी कंपनी आपको शानदार रिटर्न दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहिए। हाँ, एक छोटा सा इशू यहाँ पे है कि कंपनी जो टोटली 52 वीक का लो है उसके लेवल में है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा नेगेटिव वॉल्यूम हो रहा है, तो इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो आपको मौका है एक डिस्काउंट में इस कंपनी का माल उठाने का। तो जितने सारे दोस्त माल नहीं उठा है तो आप इस कंपनी का माल उठा सकते हैं, और जितने सारे दोस्त अभी टॉप लेवल में बाई करके रखे हैं तो आपको एवरेज करने का मौका मिला है, तो इस कंपनी के ऊपर आप एवरेज कर सकते हैं। तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने में एडुकेशन पर्पस में रखा हूँ, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद इस तरीके से डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।